हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल बीर एंड मामा। और आज मैं आपको ब्रेड पकौड़े की रेसिपी शेयर करूंगी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बन के तैयार होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने एक बाउल में 1 कप बेसन ले लिया है और इसमें अब मैं अजवाइन डाल दूँगी। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे और थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी तेल 1 टेबल स्पून और थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ी सी गरम मसाला डाल देंगे। अब इसको हम हल्का हल्का पानी डाल के इसका अच्छा सा बैटर घोल तैयार करेंगे। हमें घोल को ज़्यादा गाढ़ा नहीं घोलना है, हमें पतला घोल बना के तैयार करना है। धीरे धीरे पानी डाल के हम इसको अच्छा सा घोल तैयार कर लेंगे। और ऊपर से थोड़ी सी हल्दी डालना भूल गई थी तो मैं आधी पिंच हल्दी डाल दिया है। अब हम कढ़ाई में तेल ले लिए हैं और यहाँ जीरा डाल दूंगी, थोड़ी सी हरी मिर्च और आलू की स्टफिंग बना के हम तैयार कर लेंगे। और ये लहसुन डाल दिया मैंने चॉप किया हुआ और प्याज डाल देंगे, मैं 1 बड़ी प्याज काटी हूँ। और इसको हम गोल्डन फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम हल्दी डाल देंगे आधी चम्मच। इसमें ये धनिया और जीरा डाल दिया, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला और ये स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। और इसको अच्छे से भून लेंगे। और हम इधर आलू उबाल के मैश करके रखे हैं, अब इसमें ये डाल देंगे आलू को भी। ऊपर अच्छे से करके इसको चारों तरफ अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ी सी हम इसमें धनिया की पत्ती ऐड कर लेंगे और ये हमारे आलू की स्टफिंग बनके तैयार हो गई है। इधर मैं धनिया और हरी मिर्च की चटनी बनानी है, ग्रीन चटनी। अब मैं ये ब्रेड की स्लाइसेस ले लूँगी। इधर मैंने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। और अब हम इधर ब्रेड को पे ये ग्रीन चटनी पहले लगा देंगे ब्रेड पे, ऊपर से ये आलू की स्टफिंग भर लेंगे, चारों तरफ फैला लेंगे। और ऊपर के ब्रेड पे भी हमने ग्रीन चटनी लगा लिया। अब इसके ऊपर से हम ऐसे चिपका देंगे। अब जो मैंने ये बेसन का बैटर ये जो बना के रखा था, इस पर पहले हम चारों तरफ से इस पर कोटिंग करेंगे। और हम इसको पहले बीच से काटेंगे नहीं, हम इसको फ्राई होने पे बीच से काट सकते हैं। आप चाहो तो आप काट के भी इसको फ्राई कर सकते हैं। और ये मैंने तेल में डाल दिया। हम गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और ऊपर से ऐसे तेल करके हम पहले चारों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। 1 बार आप इस तरह से ब्रेड पकौड़ा बना के तैयार करें, ये खाने में बहुत ही लाजवाब। और ये देखिए मैं इधर उलट पुलटती हूँ। अब ये धीरे 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 अच्छे से सीखेंगे। और ये देखिए कितनी फुली फुली ब्रेड पकौड़ा बन के तैयार है। अब जितना इसको लो टू मीडियम पे इसको फ्राई करेंगे, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा। और ये देखिए फुली फुली ब्रेड पकौड़ा बन के तैयार है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ और बीच से इसको काट देंगे। आप चाहो तो 2 भाग में भी काट सकते हो। ये देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। मैंने इसकी 4 भाग कर लिए हैं। अब इसकी 4 भाग करके प्लेटिंग कर लिए। ये देखिए कितना मज़ेदार ब्रेड पकौड़ा बन के तैयार है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।